तो हेलो, कैसे हो सारे ने, आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। अपनी आज की वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले अपन बीजीएस सेमीफाइनल्स के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि अभी सेकंड सेमीफाइनल चल रहा है, बहुत सारी टीम्स हमें उसमें खेलते हुए देखने को मिल रही है, जैसे कि सीजी, गॉडलाइक, मोगो एंड और भी बहुत सारी टीम्स हमें खेलते हुए देखने को मिल रही है इसके अंदर। एंड कल जब गॉडलाइक का एक मैच हुआ था तो एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होती है, मतलब एक बहुत वायरल मूवमेंट हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर। वो ये था कि जो जेली है वो कार के अंदर बैठे हुए थे एंड ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट जोन यहाँ पर चल रहा था एंड फिर HSK एक प्लेयर ने उनको स्पॉट किया था एंड उनको फिर यहाँ पर फिनिश कर दिया था। मतलब जेली यहाँ पर बहुत ट्रिगर डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी को भी फिनिश नहीं कर पाए थे। मतलब मैच के अंदर हमें एक एपिक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था। एंड फिर जब आईफ्लिक्स लाइव थे तो उन्होंने इस पूरी चीज़ का पीओवी भी दिखाया था। जो HSK प्लेयर थे क्रिप्टो जिन्होंने फिनिश किया था जेली को, उनका पीओवी यहाँ पर दिखाया था, रॉ पीओवी यहाँ पर आईफ्लिक्स ने यहाँ पर दिखाया था। तो जो पूरा पीओवी था वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, ये है वो क्लिप गाइस जो आप लोग देखने चाहते हैं, जहाँ पे जेली ने गाड़ी में बैठे हुए थे और क्या जेली ने, क्या मतलब जेली देख रहा है, क्या वो देख रहा है, एक बार देख रहा है। सेवन शोर का मैंने एक मारा था, किसी जोन में नहीं है, ठीक है। अरे बंदा है विकेट के अंदर, बंदा है विकेट के अंदर, बंदा है, मादरचोद है ये। जेली पढ़ा ले रहेगा, ठीक है, वो म्यूट कर देता हूँ अभी, ठीक है। बीप बीप गाइस बीप। अरे बहन चोर मौली आ गई यार। गाइस वो इन गेम जो है वो है, ठीक है। वो निकल के आता है, ठीक है, किसी का भी मुंह से निकल के आता है। उसने वहां पे क्लिप नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। बढ़िया, सेवन शोर का मैंने एक मारा था, किसी जोन में नहीं है, ठीक है। अरे यार मैं जल्दी वो एक बार पीछे भी देखा, फिर रियलाइज किया एक और मर गया था। सेवन शोर का मैंने एक मारा था। देखो बेचारे सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे, ठीक है। सेवन शोर का मारा है कि सेवन शोर का कितना बंदा मारा है, इन सीरियस चिल्ला रहे कि भाई एक बंदा मैंने भी मारा था, एक बंदा नॉक किया था। तो वहां पे प्लान बना रहे, वो बंदा रिवाइव कर रहा है, वो सामने देख रहा है, पीछे देखा, पीछे देखने के बाद एक तरफ उधर मुड़ा भी, फिर वापस पीछे देखा, फिर देख रहा है कि भाई और बंदा है विकेट के अंदर, बंदा है विकेट के अंदर, बंदा है। जेली भाई प्लीज अपना पीओवी अगर डाल सकते थे तो पीओवी एक बार डाल सकते थे तो भाई। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं। अपन बात करने वाले सेट के बारे में। तो सेट जब लाइव थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि अभी भी आप सीजी के बॉयज़ को मिस करते हो क्या, मतलब जो ओमेगा जो टीम थी उनको अभी भी मिस करते हो क्या। तो इस बारे में यहाँ पर सेट बात कर रहे थे। एंड जो बीजीएस सेमीफाइनल्स के अंदर जो टीम अभी ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी है उसके बारे में भी यहाँ पर सेट बात कर रहे थे। तो उनका रिप्लाई भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Do you miss the CG boys or have you moved on from that era? I've moved on, yaar. It's been a while. It's been almost 6 months. I've moved on, and in this industry, you have to keep moving on, yaar. You have to keep moving on. नहीं हो सकते किसी से connect, यार. Mister 63 पे आ गई CG. CG तो आ गई LAN पे. 100% CG आ गई LAN में. Godlike को भी चाहिए 38 पॉइंट्स। बाप रे, 8 गेम में इनको 70 पॉइंट कुछ चाहिए अभी। गॉडल को ऑलमोस्ट 70 पॉइंट चाहिए 8 गेम में। नो कंपटीशन, नहीं यार, नो कंपटीशन वगैरह क्यों लगाऊंगा सीजी के लिए। सीजी थर्ड हो गई तो आई गेस मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे टीयर 1 टीम्स तो है ही, ऊपर ही है ऑलमोस्ट। मोगो, लिमड़ा, आरजी, सीजी तो आ रही है लाइन, एनटीटी भी आई थिंक आ रही है लाइन मेरे हिसाब से। एंड अपना बात करते हैं BGMI में जो सर्वर लैग्स हो रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि हमको पता है कि अभी एक सर्वर लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है BGMI के अंदर, उसी के बारे में यहाँ पर लॉल्स बात करें तो उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया था कि आप इसको टैकल कैसे कर सकते हो। तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। सर्वर 73 में क्यों रुक रहा है? हाँ देखो चैट, ये 73 वाला जो सर्वर आपका हो रहा है ना, ये उन लोगों के लिए जो लोग रैंक पुश कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो जैसे ही आपका 73 पे अटके क्विकली बंद करो अपना गेम, रिस्टार्ट करो गेम एंड कैंसिल दबा दो, तो आपका माइनस नहीं होगा, वो मैच काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो भी रैंक पुश कर रहे हैं उन तक पहुँचा दो। जैसे ही 73 पे अटक रहा है क्विकली यार, टाइम मत लेना क्योंकि तुम्हारे पास रहेगा सिर्फ 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आपको गेम रिस्टार्ट करना है एंड वो कैंसिल पे दबाना है। अगर ये कर लिया तो एंड अपन बात करते हैं कुछ वैलोरेंट के बारे में। तो आज से VCT पैसिफिक का स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है एंड आज हमें जो 2 मैचेस देखने को मिलेंगे वो है जेटा और DRX का, और दूसरा मैच जो हमें देखने को मिलेगा वो है टीम सीक्रेट और ब्लीड का। एंड अब देखते हैं VCT स्टेज 2 में कौन सी टीम कैसे परफॉर्म करती है। जो ग्लोबल स्पोर्ट्स के मैचेस है, मतलब जो अपनी इंडिया की टीम है उसके मैचेस परसों से स्टार्ट होने, मतलब 17 को उनका पहला मैच है। अब देखते हैं कौन सी टीम कैसे परफॉर्म करती है। अगर आप वैलोरेंट देखते हैं तो आप कितना एक्साइटेड है, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं। अपन बात करने वाले गॉडलाइक के बारे में। तो हेडीज जब लाइव आए थे तो लोग उनको बहुत ज़्यादा हेट दे रहे थे, मतलब लोग बोल रहे थे कि औरंगेटाइन में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था एंड गॉडलाइक में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो इस बार में हेडीज पर बात कर रहे थे एंड उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं सैड हो तो वैसे पॉपकॉर्न ऑर्डर करके आग लगा के स्टोरी डाल दो, परफॉर्मेंस आएगी। वैसे तुम्हारे रहते औरंगेटाइन का कुछ नहीं होगा, गॉडल का क्या होगा। अबे आजकल के लॉकडाउन के बच्चे, क्या पता इन लोग को क्या है। तो अभी अभी आया रहेगा ब्रो BGS मैगज़ीन में। हेटर्स को ब्लॉक करो रे ब्रो, फर्क नहीं पड़ता ब्रो लोग से। 3 साल पहले फर्क नहीं पड़ा, तुमको लगता है अभी फर्क पड़ेगा? बहुत लोग को देखा है ऐसा जो हेट देते हैं। स्क्रीन का है स्क्रीन ब्रो, जितना मैच मैंने कोच किया ना उतना मैच तो तुम लोग जिंदगी में खेले भी नहीं हो, तो प्लीज शट योर माउथ एंड लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। एंड फिर लोग नकुल एंड अल्ट्रॉन से भी पूछ रहे थे कि क्या गॉडलाइक क्वालिफाई कर सकती है क्या, एंड गॉडलाइक के परफॉर्मेंस में भी क्या दिक्कत आ रही है। तो वो दोनों भी इस बारे में बात कर रहे थे। नकुल भाई सेमीफाइनल वीक 2 बहुत टफ चल रहा है। यस देख रहे हैं हम भी गॉडल क्वालिफाई होने की चांस, गॉडल के चांसेस पता नहीं यार, अभी तो कह नहीं सकते कुछ। भाई गॉडल का सीन अब क्या लगता है, प्राइम टारगेट करेगी कल किसे? भाई मुझे क्या पता यार, अब अपना अपनाया, प्राइम ने टारगेट किया तो उनपे है, बाकी गॉडल का यार बैड फेज चल रहा है। वही ये बात है, आई थिंक टाइम होता है यार, आई थिंक सबका ना फेज है, निकल जाएगा। बड़ा फेज आया, थोड़ा फॉल हो जाता है, डाउनफॉल। मेरा तो खुद डाउनफॉल, यही देख लो, मैं तो क्या ही बोलूँ किसी के डाउनफॉल पे, बट हो जाता है यार। आई थिंक इंसान डाउनफॉल में जब गिव अप कर गया तो डाउनफॉल वही चाहता है कि तुम गिव अप कर दो। अब जब तुम गिव अप नहीं करोगे और ट्राई करते रहोगे तो कुछ ना कुछ। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंकी के बारे में। तो एंकी ने एक स्टोरी डाल के बताया था कि उनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं टाइसर एक्स स्पोर्ट्स के साथ। एंड अपन नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बिंक्स के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि बिंक्स का एक बीच में मैटर हुआ था, उन्होंने मतलब बोला था कि वो वॉच पार्टी करना छोड़ रहे, क्योंकि इतना वॉच पार्टी करने के बाद भी या इतनी मतलब मेहनत करने के बाद भी कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या फिर जो वैलोरेंट एशिया है, जो वैलोरेंट ऐसे वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने बीच में वॉच पार्टीज़ वगैरह करना सब छोड़ दिया था। एंड कल उन्हें एक स्टोरी डाल के बताया था कि वो साउथ कोरिया जा रहे हैं यहाँ पर, एंड इसके लिए उन्होंने गोल्डी भाई एंड थक को भी थैंक यू बोला था एंड स्पेशल थैंक्स उन्होंने दिया था वैलोरेंट ऐसे को, मतलब साउथ एशिया को। उसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी स्प्लिट 2 स्टार्ट हो रहा है, उसी के लिए यहाँ पर बिंक्स कोरिया जा रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है कि बिंक्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड अपन अब बात करते हैं यहाँ पर S Power के बारे में। तो S Power जब लाइव आए थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि जो CG है वो भी अब कंफर्म हो चुकी है हैदराबाद लाइन के लिए, तो इस पर S Power पर बात कर रहे थे एंड ओवरऑल सभी टीम्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। भाई ओल्ड गेम तक कब, आई वांट टू सी ओल्ड S Power। फुल ट्राई है वो ओल्ड S Power को लाने के लिए, बट जब वक्त आएगा तब वो S Power खुद ब खुद आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली, बट मैं पुश कर रहा हूं अपने साइड से। एम आई ऑडिबल गाइस? या या यू आर। सीजी भी आ रही है हैदराबाद, हैप्पी फॉर सीजी गाइस। आओ सब टीम्स आ जाओ यार, एक चैलेंज स्पीक वाली इन तेलुगु और तो गाइस जो भी टीम्स आ रही है आने दो, क्या हो मतलब क्या ही दिक्कत है। सब टीम अपनी, लेट्स गो, सब टीम अपने भाई है, सब प्लेयर्स अपने भाई है, सब के सब एक दूसरे के भाई है। आज गॉडलाइक कर पाई क्वालीफाई यार, फॉर श्योर करेगी, क्यों नहीं करेगी, इतनी अच्छी टीम है। बस थोड़ी जगह लैग कर रही है, थोड़ा बहुत एक आध दिन खराब हो जाता है भाई, उसके बाद सेट हो जाएगा। एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट पे ना शायद IcU Soul एक लौती टीम होगी जिसमें शायद चेंजेस ना हो, वन ऑफ द वेरी फ्यू टीम जहाँ पे चेंजेस ना हो। इंजन में अभी लोगों को लगता है कि मान्या है, कल वो स्मोक मार दिया 1v3 तो कुछ लोग टू टू बोलने लगे। बोलने दो ना यार, ट्रॉफी बोलती है ब्रो, मान्या को किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट दिस पॉइंट कितना डेकोरेटेड आईजीएल है, इतना ज़बरदस्त असॉल्टर है ब्रो। पता है IcU Soul का जो लाइनअप है ना, अभी जितना IcU Soul ने, जितना सोल एज एन ऑर्ग ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया है, उतना ही इस लाइनअप ने सोल को भी कॉम्प्लीमेंट किया है। ट्रॉफी बोलती है, रिजल्ट्स बोलते हैं, फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स डू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, रिजल्ट्स डू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स और इमोशंस एट ऑल। मान्या के लिए तो भाई यही बोलूंगा कि यार ही इज एन एक्सीलेंट IGM। एंड बस अपने आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।